सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है, जिसमें शिव भक्त जो दूर दराज से जल लाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। इस दौरान प्रशासन भी उनकी यात्रा को सफल बनाने के लिए खास व्यवस्था की है, ताकि कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। फिर भी महादेव की भक्ति में मस्त शिव भक्त भूखे प्यासे ही अपनी यात्रा करते रहते हैं। ऐसी एक तस्वीर देखने को मिली झांसी के मऊरानीपुर में, जहां देर रात भूख प्यास से परेशान कुछ शिव भक्तों ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर पीने के पानी उपलब्ध कराए जाने की मदद मांगी, जिसके बाद मऊरानीपुर कोतवाली प्रभारी तुलसीराम पांडे ने हाईवे पर पहुंचकर तत्काल कांवड़ियों को पीने के पानी के साथ साथ कुछ खाने की भी व्यवस्था कराई। झांसी के मऊरानीपुर में देर रात कांवरिया ओरछा धाम के लिए रवाना हुए, जहां से वह पैदल जल लेकर केदारेश्वर धाम पर प्रदोष के दिन जलाभिषेक करेंगे और कांवड़ियों को आने जाने में कोई तकलीफ न हो, इसके लिए मऊरानीपुर कोतवाली प्रभारी तुलसीराम पांडे रात्रि में नेशनल हाईवे पर गश्त कर रहे थे। तभी रात्रि में कुछ कांवड़ियों ने 112 पर पीने के पानी की मदद मांगी, जहां मौके पर पहुंची 112 पुलिस ने कोतवाली प्रभारी को सूचना दी, जिसके बाद तत्काल कोतवाली प्रभारी तुलसीराम पांडे ने पानी की बोतलें उपलब्ध कराते हुए वितरित करते हुए उनका हालचाल जाना। कोतवाली प्रभारी के मानवीय चेहरे को देख कांवड़ियों ने जहां उनकी प्रशंसा की, वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की ओर से किए गए इस कार्य से पुलिस विभाग सहित पूरे जनपद में तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। पंजाब की सी टीवी के लिए झांसी से मोहम्मद शहजाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।